मटेरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में हीर के भाई हर कोशिश करते हैं कि उसे सबसे प्रोटेक्ट करे। अब शो में देखा जाएगा कि कॉलेज में एक प्रोफेसर की फेयरवेल पार्टी अरेंज की जाएगी। हीर इस पार्टी की बात सुनकर काफी खुश होगी। जब पार्टी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन मांगा जाएगा तो हीर भी फटाफट अपने बैग से पैसे निकाल कर देने लगेगी, पर उसका भाई उसे रोक लेगा। इतने में विराट भी वहां आ जाएगा और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। विराट अपने डीजे बनने का शौक को इस पार्टी में पूरा करेगा क्योंकि वो खुद इस पार्टी में म्यूजिक का अरेंजमेंट करता दिखेगा। विराट को देखकर हीर भी अपने भाई को समझा कर अपना और दोनों भाइयों का पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन दे देगी। वहीं हीर और विराट के बीच एक डायलॉग भी देखने को मिलेगा। अब हीर अपने घर वालों से इस पार्टी की परमिशन कैसे लेगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आइए जानते हैं विराट से आगे की कहानी के बारे में। हमारे एक प्रोफेसर हैं बहुत खास, तो वो रिटायरमेंट ले रहे हैं हमारा कॉलेज से, एंड सारे स्टूडेंट्स उनको बहुत प्यार करते हैं एंड उसी के लिए सब पार्टी दे रहे हैं उनको, एंड उसी के लिए सब ने कॉन्ट्रीब्यूट भी किया। सो उसी के बारे में सीन चल रहा था, एंड मेरा एम्बिशन है डीजे बनने का, एंड मेरे अंदर की विश ये थी कि डीजे मैं प्ले करूँ उस पार्टी में। सो वही सीन चल रहा था, तो वो डीजे प्लेयर एक्चुअली उन्होंने ही गिफ्ट किया था मुझे, तो अब मैं पार्टी के अंदर ये बजाऊँगा। एंड उन्होंने मेरे को बोला था कि ये डीजे प्लेयर आपके सपना है, सो प्लीज़ जो भी आपके दिल में उसको अच्छे से प्ले करिए, खुशी से प्ले करिए एंड पूरी दुनिया को सुनाइए। सो अब उन्हीं की बात मान रहा हूँ कि अब फाइनली अब हम समझने लगे हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को। पहले मेरी ये प्रॉब्लम थी कि मुझे कोई समझता नहीं है, अब वो समझने लगी है तो मेरे अंदर की खुशी भी जाग रही है।